अगर दोस्तों कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस समय साफ साफ प्रीता को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाख कोशिश करती हुई नजर आ रही है निधि। क्योंकि दोस्तों निधि का मानना यह है कि मैं यहाँ पे वाइफ बनने के लिए आई थी करण की, ना कि मैं किसी की आया बन के आई हूँ, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अब चाहे मुझे राजवीर को इस ऑफिस से बाहर फिंकवाना पड़े या फिर प्रीता को इस दुनिया से फिर से हटाना पड़े। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों की कहानी एक नहीं बल्कि इस समय कई और भी ट्विस्ट लाती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि दोस्तों कहानी में असली मजा तो अब आता हुआ नजर आने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस समय निधि भी जानती है कि राजवीर किसी और का बेटा नहीं है, बल्कि राजवीर जो बेटा है वो एक ही अलग ही तरीका से है। और राजवीर की बात की जाए तो राजवीर के बारे में ये भी पता है कि राजवीर असली जो है वो करण का ही है, लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद भी बहुत बड़ी साजिश की है, बहुत बड़ा प्लान किया है। अब आखिरकार वो प्री प्लान कैसे देखने को मिलेगा वो कहानी एक नहीं बल्कि इस समय कई और भी चीज़ लाती हुई नज़र आने वाली है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रीता बोलती हुई नज़र आने वाली है कि मुझे सौर्य के फादर से मिलना है, लेकिन दोस्तों राजवीर ही नहीं मिलन दे रहा, क्योंकि राजवीर को पता है कि अगर पता चल गया इन दोनों को एक दूसरे के बारे में तो फिर ठीक नहीं होगा, फिर तो हमारा समझौता हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी समझौते के मूड में नहीं है। लेकिन दोस्तों ये भी रियलिटी है कि राजवीर जब चाहे जब निधि को इस घर से फिकवा सकता है, क्योंकि राजवीर के हाथ में इतनी बड़ी पावर है। बहुत राजवीर अपने आप से ही अपना राज छुपाए कर रख रखा है ताकि किसी भी तरीका से किसी को भी किसी भी तरीका का कोई प्राण महसूस ही ना हो सके। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसी लग रही है आप लोगों को मेरी वीडियो, इसका ज़रूर मुझे बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को सपोर्ट